हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो अगर आप भी उदयपुर में जाने का प्लान कर रहे हैं और एक ऐसा होटल ढूंढ रहे हैं जो अच्छा भी हो और आपके बजट में भी हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 ऐसे होटल जो अच्छे भी हैं और बजट फ्रेंडली भी हैं। और ये मैं आपको अपने खुद के एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ। रिसेंटली मैं उदयपुर गई थी और मैंने वहाँ इन 3 होटल्स में स्टे किया था और मेरा एक्सपीरियंस इन 3 होटल्स के साथ काफी अच्छा रहा था। तो चलिए अब मैं इस वीडियो को स्टार्ट करती हूँ, बट उससे पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। उदयपुर में मैंने 3 नाइट स्टे करा था। तो चलिए चलते हैं अपने फर्स्ट होटल की तरफ, जो की एक 4-स्टार प्रॉपर्टी है और इस होटल का नाम है रेजेंटा सेंट्रल उदयपुर। और अगर मैं इस होटल की रेटिंग की बात करूँ तो इस होटल की रेटिंग 4.5 है आउट ऑफ 5, जो कि काफी अच्छी रेटिंग है। रेजेंटा सेंट्रल होटल फतेह सागर लेक से 2.7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और यहाँ से लेक पिचोला का डिस्टेंस 3.8 किलोमीटर है। और अगर मैं इस होटल के रूम्स की बात करूँ तो इस होटल में 3 कैटेगरी के रूम्स अवेलेबल हैं, स्टैंडर्ड रूम, एग्जीक्यूटिव रूम और एग्जीक्यूटिव सीट रूम। रेजेंटा सेंट्रल होटल के चेक इन टाइम 2 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। और अगर आप अर्ली चेक इन करना चाहते हैं तो यहाँ आप रिक्वेस्ट करके अर्ली चेक इन कर सकते हैं अगर रूम्स अवेलेबल होते हैं तो। हमने यहाँ स्टैंडर्ड रूम लिया था और रूम काफी स्पेशियस था और काफी नीट एंड क्लीन भी था। और इस होटल की सर्विसेज भी काफी अच्छी लगी मुझे। और इस होटल के वॉशरूम भी काफी नीट एंड क्लीन थे और साइज भी काफी स्पेशियस था इनका। एंड चेक इन के टाइम पर हमें वेलकम ड्रिंक्स भी सर्व की गई थी यहाँ। और अगर इस होटल के डाइनिंग एरिया की मैं बात करूँ तो डाइनिंग एरिया काफी बड़ा बना हुआ है और काफी अच्छा बना हुआ है। ब्रेकफास्ट में भी आपको काफी फूड ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ और यहाँ की फूड की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। ब्रेकफास्ट में मुझे यहाँ पाव भाजी काफी अच्छी लगी। और इस होटल के रूफ टॉप पे एक स्विमिंग पूल भी है जहाँ आप स्विमिंग करते करते सिटी व्यू भी इंजॉय कर सकते हैं। इस पूल की जो डेप्थ है 4.5 फीट है। फ्रेंड्स, अगर मैं इस होटल की प्राइस की बात करूं तो ये होटल मैंने 3,000 रुपीज में बुक किया था और इसमें ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड था। तो चलिए अब मैं आपको सेकंड होटल की तरफ लेके चलती हूं और इस होटल का नाम है जनक विलास होटल। जनक विला होटल एक 3-स्टार हेरिटेज प्रॉपर्टी है जो की बहुत ही अच्छी लोकेशन पर है। इस होटल से सिटी पैलेस 500 मीटर के डिस्टेंस पर ही है और लेक पिचोला 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। यहाँ आपको कार पार्किंग भी मिल जाएगी। इसके साथ ही यहाँ हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है। जनक विला होटल में 4 कैटेगरीज के रूम हैं, स्टैंडर्ड रूम, ड्यूलक्स रूम, सुपीरियर रूम और स्वीट रूम। एंड इसके चेक इन टाइम 2 PM है और चेकआउट टाइम 10 AM है। यहाँ रूफ टॉप डाइनिंग एरिया भी है जहाँ से आप सिटी पैलेस देख सकते हैं। और इस होटल में आपको बार भी मिल जाएगा। और अगर मैं इस होटल की फूड क्वालिटी की बात करूं तो वो भी काफी टेस्टी था और इसका डाइनिंग एरिया भी काफी अच्छा बना हुआ था। फ्रेंड्स, अगर मैं इस होटल की प्राइस की बात करूं तो ये होटल मुझे 2,500 रुपीज में पर नाइट पड़ा था, जो कि विद ब्रेकफास्ट था। तो अगर आप लेक पिचोला या सिटी पैलेस के नियर कोई होटल सर्च कर रहे हैं तो आप यहाँ स्टे कर सकते हैं, आपको ये होटल जरूर पसंद आएगा। तो चलिए अब मैं आपको अपने थर्ड होटल की तरफ लेके जा रही हूँ, जो कि एक 4-स्टार प्रॉपर्टी है और इस होटल का नाम है हॉवर्ड जॉनसन। तो अगर आप स्टे करने के लिए कोई 4-स्टार होटल देख रहे हैं तो आपको ये होटल काफी अच्छा लगने वाला है, बिकॉज ये होटल भी अंडर बजट है। इस होटल में ड्यूलक्स और प्रीमियम कैटेगरीज के रूम अवेलेबल है और रूम्स भी काफी स्पेशियस और नीट एंड क्लीन है। और अगर मैं हॉवर्ड जॉनसन होटल के रेटिंग की बात करूँ तो इस होटल की रेटिंग 4.4 है आउट ऑफ 5। इस होटल का चेक इन टाइम जो है वो 2 PM है और चेकआउट टाइम 11 AM है। हॉवर्ड जॉनसन होटल जो है ये रूप सागर लेक से 1.9 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और सिटी पैलेस और लेक पिचोला से अप्रोक्स 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। इस होटल के रूफ टॉप पे भी आपको स्विमिंग पूल मिल जाएगा जहाँ से आप सिटी व्यू इंजॉय कर सकते हैं। और यहाँ बच्चों के लिए एक सेपरेट पूल बना हुआ है जहाँ बच्चे भी स्विमिंग करके एंजॉय कर सकते हैं। और इस होटल में ये एरिया मेरा फेवरेट था क्योंकि हमने यहाँ पे काफी एंजॉय किया था। इसके साथ ही इस होटल में जिम और स्पा फैसिलिटीज भी अवेलेबल है। जिम फैसिलिटी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई भी चार्ज पे करने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप स्पा लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना होता है। और अगर मैं इस होटल की प्राइस की बात करूँ
तो ये होटल मैंने 2800 में बुक किया था विद ब्रेकफास्ट, और यहाँ का ब्रेकफास्ट भी मुझे काफी अच्छा लगा। तो फ्रेंड्स, उदयपुर में ये 3 बेस्ट होटल थे जो पर्सनली मुझे बहुत अच्छे लगे, और इन तीनों होटल्स के साथ मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा था, और ये अंडर बजट भी थे। इसके अलावा अगर आप इस वीडियो से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप इन होटल्स की कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जिनके ऊपर मैंने एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाई हुई है, और इनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रखा है, आप चाहे तो वहाँ जाके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आगे ही मैं आपके लिए और भी न्यू वीडियोस लाती रहूंगी, तब तक के लिए बाय बाय।